इधर आगरा के दौरे पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने व्यापारियों से चर्चा की। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आलू उत्पादकों को रेट नहीं मिल रहा, पर्यटन उद्योग ठप है, इस पर केशव प्रसाद मौर्य नहीं बोले। इतना ही नहीं, सीएम ने कहा कि मोदी योगी की सरकार ने पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और अब लॉकडाउन कर व्यापार को खत्म कर दिया। सीएम बघेल ने केंद्र की बीजेपी सरकार को व्यापारी विरोधी सरकार बताया। आज यहाँ पूरा व्यापार उद्योग सब चौपट है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में सारे व्यापारी दुखी हैं, चिंतित हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के गलत नीतियों के कारण से उद्योग, व्यापार और कृषि सभी चौपट हुआ है। आगरा आलू के खेती के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन चाहे आलू उत्पादक हो, चाहे फाउंड्री में काम करने वाले लोग हों, चाहे कालीन में काम करने वाले लोग हों, जूते में काम करने वाले लोग हों, चाहे पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, सारे लोग योगी और मोदी के सरकार से दुखी हैं, चिंतित हैं और परेशान भी हैं। और यहाँ आज व्यापारियों के बैठक हुई, उस बैठक में आज आगरा के व्यापारी खुल के बोले कि इस सरकार के कारण से हमको घाटे पे घाटा हो रहा है, बहुत सारे लोग दिवालिया हुए। भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार की बात करती है। यहाँ फाउंड्री क्यों उत्पादन कम हुआ, उसके बारे में केशव प्रसाद मौर्य क्यों नहीं बोले? यहाँ आलू उत्पादकों को रेट क्यों नहीं मिल रहा है, उसके बारे में केशव प्रसाद मौर्य क्यों नहीं बोले? यहाँ पर्यटन उद्योग है वो ठप पड़ा है, उसके बारे में क्यों नहीं बोले? यहाँ कालीन उद्योग और जूता उद्योग ठप पड़े हैं, उसके बारे में केशव प्रसाद मौर्य क्यों नहीं बोले?